बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डाइल्यूट करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो, तो उसमें कंडक्टिविटी किस वजह से बढ़ रही थी? इंटरैक्शन कम हो रहा था, सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन कम हो जा रहा था। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो रीजन मैंने आपको समझा दिया। मेरा क्वेश्चन ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है और उसमें अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या रीजन है? देखो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना। वीक इलेक्ट्रोल, मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं हर एक चीज में, हाँ ये रीजन सही है यतीश, बट एक और रीजन है, ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा जो बोल रहा हूँ हर एक पे आपको स्ट्रेस देना जरूरी है, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है, ध्यान देना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसके प्रीवियस पेज पे। कंडक्टिविटी कम होती है, क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस ड्यू टू यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की वजह से, और यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी तो कम हो जाती है बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी में वन यूनिट से कोई लेना देना नहीं, यूनिट वॉल्यूम से लेना देना नहीं है मोलार कंडक्टिविटी। मेरा ध्यान, मैं जो बोलता हूँ सब चीजों को स्ट्रेस दोगे तो समझ में आएगा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन का आंसर, मैंने आपको बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट करने पर उसकी मोलार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? उसके दो कारण। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक ही कारण है, क्या है? इंटरैक्शन कम हो जाता है इसलिए तेज भागते। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी तो यही कारण है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी तो फिर क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी इंटरेक्शन तो कम, इंटरेक्शन अगर आप पानी अंदर ऐड करते जाओगे तो इंटरेक्शन तो कम होगा, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, तो उसमें भी इंटरेक्शन कम होगा। वो एक पहला रीजन। दूसरा, ऑस्मोल डाइल्यूशन, हमें पता है कि जैसे जैसे सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब पहले जितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हो रहे थे उससे ज्यादा डिसोसिएट होंगे, तब डिसोसिएट। तो दो कारण आ गए, एक तो आयंस भी बढ़ रहे हैं डाइल्यूट करने पर, और दूसरा उनके अंदर इंटरेक्शन भी कम हो रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के दो कारण है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से पूरा डिसोसिएट हो रहा है। समझ में आया मेरी बातें? हाँ सर। यस सर। तो बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, और इन चीजों पर भूलना मत, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसीलिए आप देख सकते हो ग्राफ अलग अलग है, स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ कैसा है, वीक के लिए। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं भी आया ना, स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं समझ में आया ये ग्राफ याद रखना। एग्जाम में सिर्फ आपको पूछेंगे स्ट्रेट लाइन, बट एरो करके पूछेंगे किसके लिए है वो, स्ट्रॉन्ग कर्व वीक के लिए, ओके? अब ध्यान दो क्या लिखा, देखते पढ़ते हैं क्या लिखा। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूँ, इंक्रीजेस रैपिडली विद डाइल्यूशन, इट अप्रोचेस लिमिटिंग वैल्यू फॉर 0.001 मोलार और 0.0001 मोलार, ओके? ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप डाइल्यूट करोगे, आप सोचो अभी आप मेरी बात और सुनना एक ध्यान से, अगर आप सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया आपने एकदम, अभी सॉल्यूशन एकदम डाइल्यूट हो गया, अभी समझो कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होने के बाद हमें पता है कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी सॉल्यूशन डाइल्यूट होने पे आ जाती है ना? समझो एक बात ध्यान से सुनो, समझो कि मैंने सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मैंने आपको बताया था मोलार कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, समझो मोलार कंडक्टिविटी 1000 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूँ, चैप्टर कंसेप्चुअल है और बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। मोलार कंडक्टिविटी कितनी है? 1000। अब आप सोचो मैं अगर इसमें और पानी डालूंगा और कितना भी पानी और डाल दूं, मुझे बताओ मोलार कंडक्टिविटी और बढ़ेगी क्या? नो सर, नहीं बढ़ेगी।
क्योंकि जितनी कंडक्टिविटी आनी चाहिए थी उससे ज्यादा नहीं आएंगी, बस हो गई अभी, बस उसका मैक्सिमम 1000 आ सकती थी उसकी कंडक्टिविटी। मैंने आपको बोला ना मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू फिक्स होती है। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू समझो 1000 आ गई, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 1000 आ गई। अब उसके अंदर आप कितना भी डाइल्यूशन और कर लो, कितना भी डाइल्यूशन कर लो, अभी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है, समझ में। इसीलिए सीधे आप ग्राफ पे देखो, ग्राफ में एक्चुअली आप देख लो, पहले स्ट्रेट है, फिर देखो लाइन ऐसी हो गई है, फिर इसके बाद स्ट्रेट ही जाएगी वो। इसका मतलब क्या है कि मोलार कंडक्टिविटी क्या रहने वाली है, कॉन्स्टेंट। आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ जाओ, आप मोलार कंडक्टिविटी, एक मिनट उल्टा बता दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा है, हाँ ऐसे जाना पड़ेगा, इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। एक टाइम पे क्या होने वाला है, डायल्यूट, एकदम डायल्यूट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा उसके बाद कॉन्स्टेंट। इसीलिए देखो उन्होंने ना यहाँ पे डॉट डॉट किया है, बताया ही नहीं, ना जानते हो, इतना कंफ्यूज मत हो, इतना समझ जाओ कि आप एक बार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप कितना भी डाइल्यूशन करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और उन्होंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि क्या लिखा है, द मोलार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि कहाँ पर वो अगर आपने उसको इतना डायल्यूट कर दिया, कितना, 10^-3 और 10^-4, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 10^-3 जितना डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसकी मोलारिटी 10^-3 बना दी और 10^-4 बना दी, लास्ट 10^-4, 10^-4 पे कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है, मोलार कंडक्टिविटी, क्यों, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का इतने पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, इससे ज्यादा आप कितना भी डाइल्यूशन करो उसके बाद कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है, उसके बाद कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। इसका मतलब है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे होती है, 10^-3 और 10^-4। देखो लिखा भी है, आप देख सकते हो क्या लिखा, इट अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मींस लास्ट लिमिटिंग वैल्यू फॉर 10^-3 और 10^-4 मोलार सॉल्यूशन, द डाइल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मोलार कंडक्टिविटी देयर आफ्टर, द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वही तो मैं आपको बता रहा था, मैक्सिमम कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर। हमें पता है जीरो कभी हो नहीं सकता, बट नियर बाय जीरो हो सकता है, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको कोई पूछे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी कहाँ पर होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या फिर अदर वर्ड में जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर। समझ में आया? यस सर। क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझाया, क्यों, क्योंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, दो आयंस के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो अपने आप में अच्छे से भाग सकता है, ठीक है, ये रीजन है, इसीलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। थोड़ी देर में लेक्चर रुक जाएगा, प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना, ओके। उसके बाद the zero concentration or infinite dilution means the solution is so dilute that further dilution does not increase the molar conductivity. Infinite dilution का मतलब क्या है कि इतना dilute कर दिया है, अब अगर हम dilute कर भी रहे तो उसकी conductivity पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं infinite dilution। और strong electrolyte के लिए infinite dilution की value कितनी है, 10^-3 और 10^-4, ठीक है, ओके। उसके बाद ये इक्वेशन मैंने क्या बताया, इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। फिर बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, फिर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ठीक है ये इक्वेशन है इससे सॉल्व करके हम बता सकते हैं, पर अगर समझो मुझे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिए और उसकी मुझे मोलार कंडक्टिविटी निकालनी, वो कैसे निकालूंगा, तो लिमिटेशन हो गया, वो निकाली जा सकती है। और उसी को ये वाली प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, ये साइंटिस्ट कार्ल रच, जो भी आप प्रोनंशिएट करो कार्ल रच बोलते हैं, कार्ल रच, इन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना कार्ल रच लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड है, मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए, बट किसकी मोलार कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्यों, स्ट्रॉन्ग की तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग की तो इस फॉर्मूले से निकल सकती है,
समझ में आया पहले तो इतना कैसे कर देगा मैं बता दो, हर एक चीज का मतलब होगा, प्लीज मुझे बताना आपको आया समझ में आया नहीं आया, क्योंकि नहीं आया तो मैं वापस बताऊंगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर है सर। हाँ सर। यस सर। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि वीकल मैं हर एक जो बोल रहा हूँ उन सबको अगर आप नोट कर सको तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते एटलीस्ट पढ़ना जरूर जाके तुरंत, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, एटलीस्ट 12th के एंड तक तो नहीं भूलोगे, वरना भूल जाओगे, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या था। याद रखना काउलविच लॉ इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और काउलविच लॉ का यूज क्या है, टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी। काउलविच लॉ के तीन एप्लीकेशन देखते क्या, ओके समझ में आ गया। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बारे में बात की, स्ट्रॉन्ग का यही सब लिखा है यहाँ पर कि काउलविच जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने ये इक्वेशन दिया था, बट ये काउलविच लॉ नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या लिखा था, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली ऑन डाइल्यूशन, इसमें भी बढ़ रहा है, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वही वापस लिखा हुआ है, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10^-3 और 10^-4 द मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू इज लोअर देन द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब है आपको बताता हूँ, ओके आगे पढ़ते फिलहाल मैं बताता हूँ। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द वेरिएशन ऑफ ए वर्सेस डेल्टा सी इज नॉट लीनियर, आप देख सकते हो लीनियर नहीं है, लीनियर का मतलब होता है ग्राफ स्ट्रेट आना, आप देख सकते हो कर्व है, ग्राफ इज कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट के, इट इज नॉट लीनियर। उसके बाद मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ लैम्डा वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कर्व, मैंने आपको बताया वो सब जान दो एक्स्ट्रापोलेशन एंड ऑल क्या, वो लोग सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं अदर लैंग्वेज में कि हम उस इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सिंस लैम्डा वर्सेस डेल्टा सी कर्व डज नॉट अप्रोच लिनियरिटी लिनियरिटी। काउलरुच लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या पढ़ते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पे जीरो है। काउलरुच लॉ का क्या यूज है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। क्लियर कट ये मेंशनड है, आप इसको हाईलाइट करके रखना और ये पूछ सकते हैं, देखो ये वाला इतना पार्ट किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, काउलरुच लॉ इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना इन्होंने ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं बताया जितना मैंने बताया था सब कुछ कि ऐसे ऐसा होता है, इन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया ये कर्व इसके लिए वैलिड है इसके लिए नहीं है, बस इतना ही बोला है। और इसीलिए काउलरुच एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक इक्वेशन बनाया, एक लॉ दिया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान समझना है। अब मैं आपको काउलरुच लॉ बताता हूँ, काउलरुच प्लीज ये ग्राफ ध्यान रखना है कि किसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए वीक के लिए, और ये इक्वेशन भी याद रखना, आगे बढ़ते हैं। ओके, काउलरुच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यही तो मैं कब से आपको बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का मतलब क्या है कि आयंस अपने आप के अंदर अकेला घूम सकता है। अब आप सोचो अगर मैं ये इस तरह भी समझा जा सकता है, समझो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट है जिनको एंट्रेंस एग्जाम देनी है, मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ किसी चीज से, दो स्टूडेंट है जिनको एंट्रेंस एग्जाम देनी है, एक स्टूडेंट वो सिर्फ उसको पढ़ाई करनी है, उसे पता है कि उसका काम क्या है, वो पढ़ाई कर रहा है, बट जो दूसरा स्टूडेंट है उसने ना कुछ तो ऐसा काम किया है अपने लाइफ में, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसके वजह से उसके लाइफ में टेंशन है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके लाइफ में कुछ तो टेंशन है। अब आप सोचो अगर किसी के लाइफ में टेंशन है और दोनों को एंट्रेंस एग्जाम देनी है तो अपनी फुल पोटेंशियल लगा के पढ़ाई कौन करने वाला है, जिसको टेंशन बिल्कुल नहीं है वही अच्छा से स्कोर करने वाला है, तो डेफिनेट है जिसके लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस है कुछ जो भी रीजन है जिसके वजह से उसके लाइफ में कुछ तो टेंशन है जो उसको पुल कर रहा है दूसरे एंड से, उसकी पूरी पोटेंशियल वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है किसके टूवर्ड्स, एग्जाम के टूवर्ड्स, तो ऑब्वियसली अपनी पूरी पोटेंशियल कौन लगाएगा,
जिसके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं है, कोई दूसरी तरफ से कोई खींचने वाला, उसके उसके पोटेंशियल को दूसरी तरफ से कोई पुल करने वाला नहीं है, जो एकदम टेंशन फ्री है, उसको पता सिर्फ पढ़ाई करनी है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू है। अब देखो यहाँ ध्यान से होता क्या है, दो सोल्यूशन है, वापस इसको अब मैं इससे समझा रहा हूँ, दो सोल्यूशन है ठीक है। एक सोल्यूशन जो है, एक सोल्यूशन जो है वो कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें हमने सल्यूट डाल दिया, समझो उसमें सल्यूट हमने जितना भी डाला कोई तो अमाउंट ऐड कर दिया, या फिर समझ लो वन मोल ऐड कर दिया, फिर एक और बीकर लिया उसके अंदर भी हमने वन मोल ही डाला, पर जो दूसरा बीकर है उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट डाला मैंने, एक के अंदर 100 लीटर है, एक के अंदर 1 लीटर है, पर दोनों के अंदर वन मोल ही सॉल्यूट है। अब होता क्या है, जो वन मोल वाला है और जिसके अंदर 1 लीटर है, उसके अंदर जो आयंस जाएंगे, उसके पास जो कैपेसिटी है वो सिर्फ वो आयंस जो है वो अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं, कितने एरिया में, 1 लीटर के एरिया में ठीक है। जबकि वहां पर दूसरे वाले बीकर में भी मैंने 1 मोल ही ऐड किया था, बट वहां पर उन 1 मोल आयंस को स्प्रेड होने के लिए जगह कितनी है, 100 लीटर्स। अब आप सोचो कि अगर ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं बट वापस समझा रहा हूं, आप सोचो कि अगर 1 लीटर है तो उसके मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होंगे, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, तो इस मॉलिक्यूल पे, सेंटर वाले मॉलिक्यूल पे इन सबका इफेक्ट होगा, सबका इफेक्ट होगा इस मॉलिक्यूल पे, इन चार आयंस और भी बहुत सारे होंगे, इन सबका इफेक्ट होगा। मुझे बताओ क्या ये फ्रीली मूव कर पाएगा, क्या ये फ्रीली मूव कर पाएगा? नो सर, नहीं, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ये अपनी फुल पोटेंशियल से भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा। और अगर अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं भाग पाएगा तो ऑब्वियसली इसके लिए एग्जाम क्या थी, जैसे मैंने एग्जाम बताई थी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस। अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं भाग पाएगा तो ये अपना फुल कंडक्टेंस कैसे दे सकता है? तो इसका जो कंडक्टेंस आएगा क्या वो फुल पोटेंशियल आएगा? नहीं आने वाला है, भागा ही फुल पोटेंशियल से नहीं तो कंडक्टेंस कहाँ से आएगा फुल? वही क्या हुआ, ओके लेक्चर आपका अभी रुकने वाला है तो रुक जाता हूँ, वैसे ही रुकने वाला तो रुक जाओ, वैसे मेरा गला भी दुख रहा है, एक बार वापस स्टार्ट हो जाए फिर हम वापस पढ़ा देते, रुक जाओ तुम, लेक्चर बंद ही होने वाला, वापस फटाक से ज्वाइन कर लेना प्लीज। कितने लोग दिख रहे हैं, 27, मुझे इंक्लूड करके